अरे गुस्सा अटक गया रिकॉर्ड। अच्छा चलो, बाप रे उसने दुपट्टे में होल कर दिए। क्या बोला इसने, सुना आपने? मेरा नाम राकेश खत्री है, मैं इकोरूप फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी चलाता हूँ जो नॉर्मली एनवायरनमेंट एजुकेशन के ऊपर बच्चों के संग काम करती है। और ये घोंसले का जो सफ़र मेरा शुरू हुआ ये 7 साल की उम्र से हुआ, जब मैं छोटा बच्चा था और अपने घर के अंदर जो ऊपर घोंसले होते थे उनमें से चिड़िया जब उड़ के बाहर आती थी मैं दाना देने का लालच देके उनको पकड़ लिया करता था और रंग लगा के उड़ाया करता था। उड़ाते उड़ाते वो मुझे बाद में लगा कि चिड़िया को इतना उड़ाया हम लोगों ने, चिड़िया उड़ इतना खेला कि वो चिड़िया फाइनली हमारी ज़िंदगी से उड़ी गई। उसका सबसे बड़ा कारण शायद अर्बन बिल्डिंग्स का बनना और लोकल ट्रीज़ का ख़त्म होना था, क्योंकि जैसे ही ऑर्नामेंटल ट्रीज़ आने शुरू हुए बर्ड्स ने अपने घोंसले बनाने बंद कर दिए उसके ऊपर। मैं चलता हूँ, लेकिन फिर भी वो कोशिश मैंने जारी रखी और अपने यंग एज से जो शुरू करा काम वो आज इस मुकाम पे पहुँच गया कि जब पहली बार ज़िंदगी में 20 घोंसले लेके हम एक गली में लगाने गए थे और एक घोंसला लगाया था तो लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई थी और हम उनको यही कहा करते थे कि आपने चिड़ियों के लिए जगह कहाँ छोड़ी जो चिड़िया अपना घर बनाएगी। लेकिन उस एक घोंसले को जब अडॉप्ट करा और उसी लेन के अंदर उसी गली के अंदर बाकी के घोंसले 19 उन्होंने अपने घरों में लगाए और 3-4 दिन के बाद जब वो सारे के सारे अडॉप्ट हो गए तो वो 20 घोंसले 2008 में जो बनाए थे आज वो 6 लाख की तादाद में पहुंच गए। दुनिया भर में मुझे अवार्ड मिले, हिंदुस्तान में सब जगह नेशनल अवार्ड मिला, किताबों में स्कूल की किताबों में हमारे चैप्टर आए, लिम्का बुक में 2 बार हमारा किताब नाम दर्ज हुआ, इंटरनेशनल बुक के रिकॉर्ड्स के अंदर हमारे नाम दर्ज हुए। सबसे अच्छे जो इनाम मिलते हैं वो ये मिलते हैं कि जब लोग हमसे सीखते हैं बच्चे या बड़े और वो बैठ के घोंसला बनाते हैं और घोंसला बनाने के बाद वो लगा देते हैं और उसमें चिड़िया आ जाती है और वो फोटोग्राफ शेयर करते हैं, तो मुझे लगता है वो अवार्ड मेरे घर के अंदर सबसे ज़्यादा है क्योंकि वही है जो एक हिम्मत देते हैं। और बच्चों के संग मैंने इसलिए शुरू करा कि मुझे लगता है बच्चों के मन में अगर ये बीज पहली बार आ जाए, जैसे ही बच्चे को अल्फ़ाबेट की बुक मिलती है उसमें एन फॉर नेस्ट करके एक नेस्ट बना होता है जिसमें चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही होती है, तो वो चीज़ अगर उनके मन में अभी आ गई तो शायद मुझे लगता है वो लॉक लाइन लॉक तक अपने उसको काफ़ी आगे ले जाएंगे और इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन में वो काम कर सकेंगे। और ये मैंने देखा कि अब तक 10 से 12 लाख बच्चों और लोगों के साथ जुड़ चुके हैं, मैं और मेरी पूरी टीम, और हम लोगों ने देखा कि बच्चों का बड़ा इंटरेस्ट आता है और सबसे अच्छा जब लगता है जब 3 जनरेशन बैठ के एक नेस्ट बनाती हैं, तो ये बड़ी बात है कि आप किसी को घर देते हैं, ये बड़ा ब्लेसिंग का काम है और घर वो भी आप अपने हाथों से बना के दे रहे हैं। उस चिड़िया को पूरे 15 से 20 दिन का प्रोसेस लगता है लेकिन आप 25 मिनट में उस सामान से घर बना लेते हैं, वो भी बहुत सस्ता, जितने में आप इंटरटेनमेंट का एक टिकट लेते हैं फिल्म का या एक आइसक्रीम खाते हैं उतने में एक घोंसला बन जाता है। और घोंसला लगा के आप नेचर को कुछ तो वापस कर ही रहे हैं क्योंकि नेचर से तो आपने लिया ही है। शुरुआत तो 1974-75 में हो गई थी जब मैं छोटा था, लेकिन 2008 से इसको मैंने पूरे तौर के ऊपर अपने संग आत्मसात कर लिया और मैं बनाने लगा उसको। मुझे अच्छा लगता है कि लोग हमारे संग जुड़ते हैं और उसको बड़े अच्छे पॉजिटिव वे में लेते हैं। शुरू में नेगेटिव लिया लोगों ने कि चिड़िया आपके घोंसले में क्यों आएगी, चिड़िया अपना घोंसला खुद बनाती है। फिर हम उनसे एक सवाल पूछा करते थे कि आपने चिड़िया के लिए जगह कहाँ छोड़ी, तो फाइनली वही हुआ कि वो चिड़िया हमारे ही घोंसलों में आने लगी। अब भी कई बार शिकायतें मिलती हैं, लोग कहते हैं आप चिड़िया की आदत बिगाड़ रहे हैं। आदत नहीं बिगाड़ रहे, हम उसको एक प्रोटेक्टेड घर दे रहे हैं।